सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग आईज के ऊपर बात करेंगे। और कल की वीडियो में हम लोग ने हेयर के ऊपर बात किया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में एंड वीडियो के एंड में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, जाइए देखिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो बिना किसी रुकावट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कल बताया था कि ये रहा रेफरेंस, इसको देख करके हम लोग शेडिंग कर रहे हैं। तो जहाँ पे डार्क टोन है वहाँ डार्क टोन देंगे, जहाँ पे लाइट टोन है वहाँ पे लाइट टोन देंगे। चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कैसे कहाँ पे शेडिंग हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कौन सी पेंसिल का यूज होगा वहाँ पे, ये सब भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2B पेंसिल से बेस शेडिंग करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोग उसमें टोन को बढ़ाते रहेंगे। तो सेफ्टी के लिए जो है ऐसे पेपर रख लिया करिए और उसके ऊपर हाथ रख के फिर क्या करिए, क्योंकि यहाँ पे चारकोल लगा है, कभी पेंसिल भी लग सकती है, तो मिक्सिंग आपकी हौच पौच हो सकती है। तो उससे बचने के लिए पेपर रख लीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ रख लीजिए जिससे आपकी ड्राइंग और शेडिंग सेफ रहे। तो हम लोगों ने इसमें 2B की शेडिंग दे दी है और आप लोग देख सकते हैं कि मिक्सिंग हम लोग पेपर स्टम्प से कर रहे हैं। पेपर स्टम्प से आप लोग धीरे धीरे से इसमें मिक्सिंग करेंगे और फिर जब ये मिक्सिंग हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हम लोग 4B पेंसिल से देंगे शेडिंग। और पेपर स्टम्प आप लोग कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे। तो अब हम लोग इसमें 4B पेंसिल से शेडिंग करेंगे। दोस्तों अब थोड़ा ज्ञान की बात हो जाए, सबसे पहले हम लोगों ने 2B पेंसिल का यूज़ किया है, फिर 4B पेंसिल का यूज़ किया है, फिर 6B पेंसिल का यूज़ किया है और ये जो डार्क एरिया देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने 8B पेंसिल का यूज़ किया है। अब इतना सब होने के बाद अब हम लोग इसमें करेंगे हाईलाइट, जिसके लिए हम लोग टॉम्बो इरेजर का यूज़ करेंगे। रेफरेंस में देख सकते हैं यहाँ हाईलाइट करनी है, हल्की सी हाईलाइट यहाँ करनी है। तो चलिए हाईलाइट करते हैं। तो अब हम लोग आईब्रो पे शेडिंग करेंगे और जो आईब्रो का शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ऐसे। तो चलिए अब आईब्रो पे शेडिंग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि शेडिंग हो चुकी है, इसमें 2B 4B 6B 8B की पेंसिल यूज हुई है और हाईलाइट इसमें इरेजर से किया गया है। पोर्ट्रेट काफी बड़ा है इसलिए छोटे छोटे पार्ट में ट्यूटोरियल आता रहेगा। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, चैनल पे बने रहिएगा। और एक बात और, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।